माधव गोविंद बोल रे बोले श्रीमत सदगुरु सरकार की जय। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे।
केशव माधव गोविंद बोल रे, केशव माधव गोविंद बोल रे, ओ केशव माधव गोविंद बोल रे, केशव माधव गोविंद बोल रे, ओ केशव माधव गोविंद बोल रे, केशव माधव गोविंद बोल रे, राधे राधे 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 गोविंद बोल रे, केशव माधव हरि हरि बोल रे, केशव माधव हरि हरि बोल रे, केशव माधव गोविंद बोल रे, केशव माधव गोविंद बोल रे, दूसरा मत है कि मन को पवित्र करना है। अगर राधे नाम का कपड़ा पहनोगे तो मन में भगवान का विचार आएगा, जो लक्ष्य है। किसी प्रकार से भगवान का स्मरण करो। अगर भगवान का स्मरण करते को कॉलेज जाना होता है तो स्ट्रगल आता है, हॉस्टल में रहना होता है माता पिता से अलग तो स्ट्रगल आता है, नौकरी करनी है, लड़की को विवाह करके ससुराल में रहना है तो स्ट्रगल आता है। लेकिन वो सब स्ट्रगल को व्यक्ति सामना करता है तभी जीवन में आगे बढ़ता रहता है। तो संघर्ष से जूझना यही जीवन की उन्नति का रहस्य है। अगर हम कहें हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तो उन्नति भी नहीं करेंगे। सब उन्नति अपने कंफर्ट जोन के बाहर होती है। तो उन्नति करनी है इसका मतलब स्ट्रगल को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने कंफर्ट जोन में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। कंफर्ट जोन मतलब मुझे जो मन अच्छा लग रहा है हम उतना ही करेंगे। अब अगर हमने निश्चय कर लिया कि हमारे जीवन के मूल्य में सेवा सर्वोपरि है तो सेवा में जो भी कष्ट आएगा हमें उसको सहन करना चाहिए। ये सिद्धांत से चलना चाहिए। संसार में रहते हैं तो जैसे व्यक्ति नौका में बैठता है, अब वो नौका तो पानी में है लेकिन पानी नौका में नहीं। अगर पानी नौका में चला गया तो नौका डूब जाएगी। ऐसे ही आप संसार में रहो, संसार आप में न रहे। संसार आप में रहने का मतलब आसक्ति, मन का चिपकना, यहाँ चिपक गया वहाँ चिपक गया, बेटा बेटी इत्यादि, ये जो है इसके परिणाम स्वरूप संसार रहेगा। तो असली योगी कौन है? योगी न कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगी वो कहलाएगा जो संसार में रह के कर्म कर रहा है लेकिन आसक्ति नहीं। हानि लाभ निंदा स्तुति यश अपयश सब में एक समान बना हुआ, ऐसा बनने का प्रयास करना। वो आसक्ति कैसे खत्म हो ये चुनौती है। अब कोई कहे हम संसार छोड़ के आसक्ति खत्म करेंगे तो ठीक है, लेकिन पहले श्रेष्ठ यह है पहले संसार में रह के आसक्ति खत्म करो फिर संसार को छोड़ दो। कुसंग से बचना। कुसंग मतलब ऐसा संग जो हमारे मन को हठात संसार की ओर खींच लेगा। तो सब क्लासमेट्स भक्ति भाव से युक्त है नहीं, इसलिए उनके प्रति उदासीन रहना है, अपने लक्ष्य को सामने रखना है।
ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में हमारा क्या धर्म बनता है? हमारा धर्म है तपस्या करना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, मन के संयम को सीखना और अपने व्यक्तित्व को विकसित करना। क्या हम सीख सकते हैं? क्योंकि ये प्रिपरेशन स्टेज, स्टूडेंट लाइफ में हम अपने को तैयार कर रहे हैं भविष्य के जीवन के लिए, ताकि हम स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो तो हमारी इंद्रियां कंट्रोल में हो, मन फोकस में हो, बुद्धि निश्चयात्मक हो, तो तीर के समान अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे। तो ये तैयारी की दृष्टि से हमें स्टूडेंट लाइफ के समय को व्यतीत करना। अब सब लोग जब पीछे देखते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ को, लगता है भाई इतना गोल्डन चांस था, हम और सीख लेते और कुछ बन लेते, जो समय बर्बाद किए वो सबसे व्यर्थ गया। आप स्टूडेंट लाइफ में, आपको बोध हो गया, आपके पास चांस है, इसका उपयोग करो। और बाकी कोई परेशानी नहीं, हमने भी स्टूडेंट लाइफ में भर्ती शुरू की थी, ये सबसे बेस्ट टाइम है लाइफ का, कोई संसार की आसक्ति नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, पढ़ाई करो, उसके बाद फ्री टाइम है ना, भक्ति करो। महापुरुष जो करते हैं वो योग माया से करते हैं। आप अगर आप अपनी बुद्धि से समझ जाओगे तो फिर आप में उनमें क्या अंतर रह जाएगा, है ना। हम कहेंगे कि हनुमान जी, उनको क्या पता नहीं है राम है, पूछते हैं तुम कौन, तो अपनी छाती को फाड़ के राम सीता को दिखा दिए थे। जैसे भगवान लीला करते हैं, ऐसे महापुरुष भी लीला करते हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप को दबा देते, तब जाके ये संसार के कार्य करते। इसलिए महापुरुष के लिए कभी भी ये प्रश्न आए कैसे किया, तो एक ही आंसर, वो सब योग माया, हरि हरि जन के अटपटे, हरि हरि जन के कार्य को माया मय मत जान, उनके चरित अलौकिक माया क्रीड़ामान, वो योग माया से कर रहे, वो लीला कर रहे।